जय गुरुदेव, जय गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। दाता तेरे द्वार पे मैं कब से खड़ा, दाता तेरे द्वार पे मैं कब से खड़ा। मुझ दुखियां पर संकट स्वामी आन पड़ा, मुझ दुखियां पर संकट स्वामी आन पड़ा। संकट से प्रभु हमें बचाओ, मत करना इनकार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। संकट से प्रभु हमें बचाओ, मत करना इनकार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। सुनता हूँ गुरु जग में केवल तू ही बड़ा, सुनता हूँ गुरु जग में केवल तू ही बड़ा। जल में थल में नभ में दाता रहता खड़ा, जल में थल में नभ में दाता रहता खड़ा। भव सागर से पार करो मोही विनती बारंबार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। भव सागर से पार करो मोही विनती बारंबार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। गुरु तेरा दरबार बड़ा ही सच्चा है, गुरु तेरा दरबार बड़ा ही सच्चा है। दया की भिक्षा मांग रहा तेरा बच्चा है, दया की भिक्षा मांग रहा तेरा बच्चा है। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, दया करो दाता। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, दया करो दातार। तेरे बिन सत गुरु कौन करे भव पार। तेरे चरणों को छोड़ कर मैं जाऊं कहां, तेरे चरणों को छोड़ कर मैं जाऊं कहां।
मुझ पापी को भूल कर तुम छिपे कहाँ। मुझ पापी को भूल कर तुम छिपे कहाँ। पापी पापी बहुत ही तारे मुझको दी जो तार, तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। पापी पापी बहुत ही तारे मुझको दी जो तार, तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारू सुन लो गुरु पुकार, तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारू सुन लो गुरु पुकार, तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। तेरे बिन सते गुरु कौन करे भव पार। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जब यह दुनिया संसार बना था तो ये अंडज पिंड जुखमज अस्थावर ये चार खाने बनी थी। 84 लाख योनियाँ बनाया उन्होंने, देवी देवता बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को अन्न पैदा किया, किसने जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। तो मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई, मनुष्य जब बनाए गए, पेड़ पौधे ये नदी नाले जब बनाए गए, उन्होंने बनाया धरती आसमान को जब उन्होंने बनाया, सूरज चांद सितारों को जब उन्होंने बनाया, तो उस समय पर कोई जीवों को कर्मों का चक्कर नहीं था। सबके सब जीव जब समय पूरा हो जाता था, 1 लाख वर्ष की उम्र मनुष्य की होती थी, जब उम्र पूरा हो जाता था तो जहाँ से ये जीवात्माएँ आई हैं परमात्मा के पास से, ये वहाँ पहुँच जाया करती थी। अब दे दिया, किसको दे दिया? काल भगवान को, सतपुरुष ने दे दिया था जीवात्माओं को, तपस्या का उनको फल दिया था, मेहनत किया उन्होंने। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। तो जब उनको अनि समझो कि मेहनत का फल दे दिया, तो समझो कि अब वापस ले नहीं सकते हैं। ये नियम है कि कोई किसी को कोई चीज दे देता है तो वापस लेता नहीं है, तरीके से लेता है, दे करके ऐसे नहीं लेता है, आप ये समझो उपाय से लेता है उनको। ऐसे ही जीवात्माएं जब यहाँ पर आई तो समझो कि उपाय मनुष्य शरीर से उन लोगों ने किया, क्योंकि उस वक्त का ये नियम था कि अन्य लोगों की आदत थी। जैसे प्रेमियों, आप लोग सुबह उठते हो तो सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, आपकी आदत बन गई है, मन इधर लग गया है, मन इच्छा पैदा कर देता है कि भाई सुमिरन भजन करके सत्संग, यानी समझो कि सुमिरन भजन करके ही कोई काम करेंगे, सत्संग सुनने के लिए जाएंगे साप्ताहिक सत्संग में, मासिक सत्संग में जाएंगे, मन इधर लग गया, इच्छा पैदा कर दिया, क्योंकि मन ही इच्छा पैदा करता है, तो मन ने इच्छा पैदा कर दिया। ऐसे ही लोगों की आदत बन जाती थी प्रभु को याद करने की। तो उस समय पर पर्दा इतना ज़्यादा नहीं था, समझो क्यों? क्योंकि कर्म नहीं बने हुए थे। तो कर्म जब नहीं बने हुए थे तो कर हर ध्यान तरह बहु प्राणी। देखो ध्यान दो तरह से लगाया जाता है,
एक इन बाहरी आँखों को खोल करके भी ध्यान लगाते हैं और एक आँख बंद करके अंदर में ध्यान लगाते हैं। देखो जैसे मास्टर जी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिखते हैं, बच्चों से कहते हैं ध्यान दे करके देखो, तो इधर से भी ध्यान लगाया जाता है, ऐसे भी ध्यान लगाया जाता है। उस समय जब कोई पर्दा नहीं था अंदर में, आँख अंदर की खुली हुई थी, कोई कर्म जब उस समय नहीं थे, तो आँख बंद करके चाहे कोई ध्यान लगाऊँ चाहे ऐसे ही इधर से ध्यान हटा करके, इधर की चीज़ों से ध्यान हटाऊँ, इधर की चीज़ों में मन न लगा करके, और मालिक के दर्शन के लिए मन लगाते थे तो लोगों का दर्शन होता रहता था। कर यह ध्यान तरें वो प्राणी, इस भव सागर से निकल जाते थे, चले आते थे, और जब समय पूरा हो जाता था तब उसी में जा करके विलीन हो जाते थे। तो व्यवस्था इनकी शर्म रही, फेल होने लग गई कि इन्होंने सोचा कि सब लोग जब चले जाएंगे रहेगा कौन, तो कर्मों का विधान बने, लेकिन कर्मों के विधान के बनाने में यह सक्षम नहीं थे। तब इन्होंने अपने ऊंचे स्थान से जो धनी हैं उनसे प्रार्थना किया कि आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे एक राजा के बगल दूसरा राजा होता है तो राजा का कोई यानी ज्ञान इतना नहीं होता है, पावर इतना नहीं होता है कि कोई और काम को वो कर सके, तो दूसरे से यानी समझो कि मदद ले लेता है। कोई नया देश बनता है, संविधान उसका बनाना होता है, उसमें सक्षम लोग नहीं होते हैं तो दूसरे देश के विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं कि हमारे संविधान देश के संविधान के बनाने में मदद कर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया तो उधर से आयतें उतरी। आयतें किसको कहते हैं? आवाज़ को। कोई बोलता है तो आवाज़ पहुँचती है, दूसरे तक पहुँचती है, तो उधर से आवाज़ सुनाई पड़ी। किसको सुनाई पड़ी? इनके जो पुत्र यानी समझो तीन हैं, निरंजन भगवान, काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा गया, उनके पुत्र जो हैं, जिनको यानी समझो तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा को आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा उन्होंने नहीं, ना अब भी देख पाते हैं, अब भी नहीं देख पाते हैं उनको, देखा नहीं लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ी। अब आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो जिनका देश है वो भी उनको नहीं देख पाए, लेकिन इनको उन्होंने आदेश दिया, किसको? ब्रह्मा को दिया, अपने बेटा को दिया, कि अब तुम जो ऋषि मुनि हैं, योगी योगेश्वर हैं वहाँ, यानी उनको तुम सुना दो। दर्जा अलग हो जाता है। जैसे देखो घर में कोई घर का मुखिया होता है, बड़ा होता है, उसका दर्जा अलग हो जाता है। देखो कोई त्यागी तपस्वी हो जाता है, भजन भाव भक्ति में ज़्यादा मन लगाता है, समझो उसको लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उपदेश करने वाले को देखो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और वो उपदेश यानी करता ही है उसको लोग श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे ही कुछ उस समय भी समाज से अलग रह करके साधना करते थे, भगवान में लीन रहते थे, अच्छी बातें लोगों को बताते थे, हालांकि उस समय इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो उपदेश करते रहते थे, समझाते रहते थे। जैसे कोई भी काम अपने से न समझ में आवे तो अपने से बड़ों से पूछता है, ऐसे ही तो उनको ये आवाज़ें सुनाई पड़ी और कहा, आवाज़ आई इनकी कि तुम जो है अब लोगों को बता दो कि यह अच्छा है और यह बुरा है। दो कर्म बना दिए गए, नेक कर्म और बद कर्म, यानी समझो कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म, और यह समझो कि लिखा गया किसमें, यानी वो जो आयतें उतरी उसमें समझो कि जो यानी आवाज़ आई उसको उस वक्त पर लोगों ने भोजपत्र पर पेड़ की छाल पर इन्हें लिख दिया। वेद जिसको कहा गया, चार वेद हैं और चारों के अलग अलग यानी समझो अध्याय हैं, चारों में यानी समझो कि अलग अलग नियम लिखा हुआ है, मनुष्यों के लिए ही है, तो वो वेद बना दिया गया। आप ये समझो कि वेद के अनुसार लोगों को बताया गया कि यह अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। तो अब आप ये समझो कि जैसे ये मनुष्य शरीर है,
अब इसमें यह आँख है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, अब इनसे कर्म बनते हैं। आप ये समझो कि जैसे कोई बुरा काम करने के लिए गया पैर से, तो पैर दोषी हो गया। हाथ से कोई बुरा कर्म किया तो हाथ दोषी हो गया। आँख से बुरा देखा, आँख दोषी हो गया। कान से बुरा सुना, दूसरे की बुराई निंदा सुना, तो वो कान दोषी हो गया। तो ये शरीर जो है हो गया दोषी। अब शरीर के जो ये अंग हैं, ये पवित्र होने के बजाय ये पापी हो गए। और ये कर्म यानी समझो कि ये जमा होते जाते हैं। कर्म के बारे में आपको नहीं मालूम है कि हमसे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, पता नहीं चलता है। कर्म ये सब जमा हो जाते हैं और कर्मों की सजा मिलती ही मिलती है। किसको मिलती है कि जो भी इस मनुष्य शरीर में इस धरती पर आता है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो योगी योगेश्वर हो, चाहे संत हो। अब ये जरूर है कि संत यानी कुछ इस तरह से कर्म नहीं करते हैं कि जिससे उनको सजा भोगनी पड़े, लेकिन दूसरे के कर्मों को वो यानी दूर करते हैं, ले लेते हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए ले लेते हैं, तो उनको भी शरीर से भोगना पड़ता है। आप ये समझो कि कर्म की वजह से ही यानी महापुरुषों को भी तकलीफ झेलना पड़ा था। आप देखो कि राम भगवान थे त्रेता में, उनको भी कर्म भोगना पड़ा। कौन सा कर्म? राजा दशरथ एक आदर्श राजा थे। दशरथ दसों इंद्रियां, दस इंद्रियां हैं, यानी समझो कि यह कर्म इंद्रिय है नौ और एक अंदर ज्ञान इंद्रिय है। इन पर दसों पर उनका अंकुश रहता था, यानी यह मनमानी नहीं कर सकती थी। दशरथ यानी समझो कि उनको चलाने में महारथी थे वो, समझा? तो उनके बेटा इंद्रियों पर जिसको अंकुश मिल गया वही तो महान हो गया, तो वो महान थे। उनके बेटा पैदा होने के बाद ही, थोड़ा बड़ा होने पर ही विश्वामित्र जी उनको मांग करके ले गए, नौ गुणों से लैस किया। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिया दाता सूर दयालुषा वेद पाठी एते नौ गुण, नौ गुण से लैस किया। ये नौ गुण आ गए जब, तो फिर तो वही महानता उनके अंदर आ गई, यानी वही बड़प्पन उनके अंदर आ गया। समझो मनुष्य के सारे गुण उनके अंदर आ गए, लेकिन उनको क्यों जंगल जाना पड़ा, उनको दर बदर क्यों ठोकर खानी पड़ी, उनको अपनी प्रिय पत्नी सीता के वियोग में इधर उधर घूमना पड़ा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखे तुमने सीता मृग नहीं। वो कर्म कहाँ से आ गए? कर्म पहले के थे, पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। देखो कर्म तीन तरह के होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म किसको कहते हैं कि जो आदमी इकट्ठा करता है, हाथ पैर कान आँख से, जैसे बताया कि कर्म इकट्ठा होते हैं, बुरे कर्म बन जाते हैं, जान में बन जाते हैं, अनजान में बन जाते हैं, तो दोनों को भोगना पड़ता है। तो समझो कि वह संचित कर्म होता है। अब जैसे आपको मनुष्य शरीर मिल गया, अब आपके कर्म कट गए, कर्म अगर कट जाएंगे तो आप निकल जाओगे। कहाँ चले जाओगे? अपने देश, अपने मालिक के पास। ये जीवात्मा उस प्रभु के पास पहुँच जाएगी, उनके चरणों में लिपट जाएगी, उनकी गोदी में बैठ जाएगी, फिर उससे अलग नहीं होगी। जैसे कोई बाप अपने प्रिय बेटे को गोदी में ले लेता है तो जल्दी उतारना नहीं चाहता है, और बेटा भी पिता की गोदी से नीचे नहीं उतरना चाहता है, ऐसे नीचे लटकाए रहता, लटका रहता है, पैर जमीन पर नहीं रखता है। ऐसे इस जमीन पर, इस धरती पर इस जीवात्मा को फिर वापस पैर नहीं रखना रहेगा, मनुष्य शरीर में नहीं आना रहेगा। लेकिन कर्म अगर नहीं कटे तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा।
और ये जो कर्म कुछ बचे रह गए तो इसको भोगना पड़ेगा। किस में भोगना पड़ेगा? मनुष्य शरीर में ही भोगना पड़ेगा। तो वो पूर्व कर्म थे जिसकी वजह से मनुष्य शरीर मिला, तो वो कर्म जो थोड़े बहुत उनके थे उससे उनको यानी समझो कि ये है शरीर को कष्ट देना पड़ा, क्योंकि शरीर से ही कर्म बन गए थे और वो कटे नहीं थे, तो समझो इसकी वजह से यानी उनको भी यानी समझो कि जंगल जाना पड़ा। तो देखो प्रेमियों, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, अब आपको ये बताऊँगा प्रेमियों कि ये कर्म जो बन जाते हैं शरीर से और ये जो पहले के संचित कर्म हैं जिससे ये प्रारब्ध बना है, आगे जो शरीर से भोगना पड़ेगा ये कटेगा कैसे? बहुत मुश्किल है ये, इतना जकड़ है ये कि जल्दी रस्सी जैसे पजामे की खुल जाती है, नाड़ा खुल जाता है, ऐसे खुलने वाला नहीं है ये। तो जैसे पाड़ बांधते हो, पाड़ किसको कहते हैं, घर बनाते हैं तो बांस के ऊपर बांस बांध देते हैं कस के रस्सी कि ऊपर 10 आदमी भी चढ़ जाएं तो बांस नीचे न गिरे, ऐसा बांधते हैं, जकड़ उसको कहते हैं, जकड़ देते हैं। तो ये कर्मों का ये जकड़ है, छूटेगा कैसे? कहा कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय और सतगुरु मिले तो छूटे, सतगुरु मिले तो उबरें और नहीं तो धक्का खाए। धक्का खाना किसको कहते हैं? यही जो ट्रेन में बस में भीड़ रही होगी और कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धकेल रहा है, बस जब झटका लिया होगा, ब्रेक लगाया होगा, एक दूसरे के ऊपर गिरे होंगे, झटका इसको कहते हैं। भटका किसको कहते हैं? भटक गए, किधर जाना है, कौन से डिब्बे में बैठना है, कौन सी बस मिलेगी, इधर उधर से भटकता है। तो ये क्या है? भटकाव है। बहुत से लोग भटक रहे हैं कि भाई भगवान कहाँ मिलेंगे, पेड़ में मिलेंगे किसी ने कह दिया, पौधे में मिलेंगे किसी ने कह दिया, किसी ने कहा अयोध्या चले जाओ वहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा अयोध्या में कि काशी जाओ वहाँ मिलेंगे, काशी वालों ने कहा द्वारिका जाओ, हरिद्वार जाओ, बस ऐसे भटकते रहे। तो ये क्या है? यह है भटकना। तो कहा कि भटकते फिरोगे, ऐसे इधर उधर भटकते फिरोगे, पूछते हैं भाई राशन की दुकान कहाँ पर है, ये कंडा लकड़ी कहाँ मिलेगा, ये सामान कहाँ मिलेगा, दवा की दुकान कहाँ है। तो ये क्या है? यह भटकाव है। तो फिर भटका खाए, फिर भटका खाना पड़ेगा अगर सदगुर नहीं मिलेंगे, कर्म नहीं कटेगा। इसीलिए कहा गया कि खोज रे प्यारे, अनि सदगुर को खोजो, सदगुर को खोजो जिनका मिलना मुश्किल है। आप ये समझो कि यानी यह आसान नहीं है सदगुरु का मिलना, और सदगुरु अगर मिल गए तो समझ लो सब काम मिल गया। सदगुरु अगर मिल गए तो समझ लो भगवान मिल गए। भगवान के मिलने का रास्ता गुरु ही बताते हैं, सदगुरु ही बताते हैं, भगवान से वही मिलाते हैं, प्रभु से वही मिलाते हैं, जीवन सार्थक वही बनाते हैं, कर्मों को वही कटवाते हैं, कर्मों को सदगुरु ही काटते हैं। आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद यो दिखाए। अनि ये पहले हैं, प्रभु हैं ये। तो सदगुरु खोज रे प्यारे, जगत में दुर्लभ जतन यही, सदगुरु की खोजो, क्योंकि दुर्लभ चीज़ जल्दी नहीं मिलती है। दुर्लभ चीज़ किसको कहते हैं? कि जो सब जगह मौजूद नहीं होती है, कहीं कहीं मिलती है, वो दुर्लभ चीज़ कहलाती है। तो कहा जगत में दुर्लभ जतन यही, सदगुरु को खोज लेना। सदगुरु अगर मिल गए तो समझना चाहिए कि भाग्यशाली हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज जैसे गुरु अगर आपको मिल गए, हमको मिल गए, तो हमारा आपका ये भाग्य है। अब यह है कि प्रेम प्रीत सदगुरु से होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर नहीं हुआ, विश्वास अगर डगमगाता रहा, तो समझो कि काम नहीं हो पाता है। पढ़ने के लिए विद्यार्थी गया स्कूल में और शंका बन गई कि पढ़ा नहीं पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे, पढ़ेगा। और जो विश्वास के साथ पढ़ता है
तो समझो अगर कमजोर भी मास्टर है और पढ़ा दिया, मान लो 10 सवाल आया, 10 सवाल को वो नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन 5-6 सवाल को उसने बताया और 5 सवाल याद कर लिया विश्वास के साथ, तो समझो पास हो जाएगा कि नहीं पास हो जाएगा। इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ता है। विश्वास अगर हो गया तो समझो कि काम हो जाएगा। इसलिए विश्वास करो, प्रेम प्रीति करो, आप ये समझो उनके आदेश का पालन करो। गुरु कहा गया कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। किसको? इस जीवात्मा को। शरीर की मुक्ति तो कर देते हो शमशान घाट पर शरीर को जला करके, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। वो कैसे होगी? वो अपने घर अपने मालिक के पास कैसे पहुंचेगी? प्रभु की गोदी में कैसे बैठेगी? गुरु कृपा से। अब गुरु कृपा कैसे करते हैं? गुरु कृपा कर्मों को काट करके करते हैं, कर्मों को कटवा करके करते हैं। क्यों? क्योंकि गंदे बर्तन में अगर अच्छी चीज भी रख दी जाएगी तो आप प्रेमियों समझो कि वो खराब हो जाएगी, अच्छी चीज फिर समझो कि वो भी खराब हो जाती है। इसलिए कहा कि जैसे एक साथ दो हुए न भुआ लो हसब ठेठा फुलाई गालू, दो काम ये नहीं हो सकता है एक साथ। आप ये समझो प्रेमियों कि गाल भी फुला लो ठट्ठा के भी हंसो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। देखो एक कुर्सी पर दो राजा कैसे बैठ सकते हैं? गलत यानी अगर अंतःकरण है तो वहाँ वो साफ सुथरा जो है वो कैसे बैठेगा? जैसे कहीं कालिक लगा हो, मिट्टी लगी हो, जैसे कहीं गोबर लगा हो, जैसे कहीं तेल और मिट्टी लगी हो, कालिक लगा हो, तो वहाँ पर साफ कपड़ा सुथरा कपड़ा पहनने वाला नहाए धोए आदमी कैसे बैठेगा? इसीलिए कहा गया हुजरा को साफ किया जाता है, अंतरात्मा को साफ किया जाता है। अभी तो आपको यही नहीं मालूम है कि कर्म जमा कहाँ होते हैं, कर्म की गंदगी रहती कहाँ है। कर्म की गंदगी अंतरात्मा में होती है, अंदर में रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए हुजरे को साफ करो। लेकिन अगर कपड़ा गंदा हो जाए, शरीर गंदा हो जाए, तो साबुन पानी से धो लोगे? ये तरीका तो माता पिता ने, परिवार वालों ने, दोस्तों ने आपको बता दिया कि इस तरह से सफाई की जाती है। लेकिन कर्मों की सफाई कैसे होती है, अंतःकरण कैसे साफ होता है, उसके लिए तो सद्गुरु की दया लेनी पड़ती है। धोबिया वो मर जाएगा, पलटू साहब ने कहा, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई, वह बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी। वो अपने निर्मल पानी से उसको धोते हैं, कर्मों को काटते हैं। अब आप ये समझो कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सतयुग तो समस्या आएगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। सबसे पहले जब धरती बनी थी तो सतयुग था, फिर त्रेता आया समय से, फिर द्वापर समय से आया, कलयुग आ गया। तो कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज बराबर बोलते रहे हैं। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में सब लिखा हुआ मिलता है। तो अब कलयुगी लोगों को सुधारोगे नहीं तो ये सतयुग देख पाएंगे? फिर तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। आप ये समझो खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जल जला में भी निशान रह जाएगा, ऐसा समय आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप
श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।